तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि 10 कॉइन है प्लेस ऑन द टॉप ऑफ इच अदर ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल। तो ये एक हॉरिजेंटल टेबल है, इस पे मैंने 10 कॉइन रखा। कॉइन फर्स्ट, कॉइन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और ए 10। ठीक ना? तो ये कहते हैं कि इफ द मास ऑफ द ईच कॉइन 10 ग्राम है। अगर मास जो है दिया हुआ है 10 ग्राम का कॉइन है, ठीक है ना, अगर ये 10 ग्राम का कॉइन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10⁻³ kg लिख सकता हूँ, इतने का एक कॉइन है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू भी यहाँ 10 लेना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सेवंथ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम एंड ड्यू टू ऑल द कॉइन्स एबव इट। सेवंथ कॉइन देखो कौन सा है, नीचे से काउंट करो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो कॉइन है सेवंथ कॉइन है, तो सेवंथ कॉइन पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस पे लगने वाले फोर्स निकालने हैं सेवंथ पे फ्रॉम द ऑल द एबव कॉइन ऊपर। तो इसके ऊपर कुल कितने हैं, ये हैं 3। तो 3 है तो ये 3m इसका हो गया। तो अगर ये सेवंथ कॉइन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो सेवंथ कॉइन पे कुल ऐसे फोर्स लगेगा। ये सेवंथ वाला कॉइन है तो सेवंथ कॉइन पे ऊपर से जो है ऊपर के कॉइन इस पे फोर्स लगा रहे होंगे mg के बराबर, तो 3mg। ठीक ना? और ये ऊपर से नॉर्मल लगा रहे होंगे, बदले में ये भी कॉइन उनके ऊपर इतना ही नॉर्मल लगा देगा। ठीक ना? इसके अलावा जो नीचे वाले होंगे वो भी उस पर लगा रहे होंगे, तो हम उसको नहीं ड्रा करने। हमें बेसिकली ये निकालना है कि जो ऊपर वाले हैं इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो ऊपर वाले अपने वेट के बराबर इसको दबा रहे होंगे, तो ये जो फोर्स है वो 3 mg के बराबर आ जाएगा। 3 मास एक कॉइन का 10 × 10⁻³ थी, जी की वैल्यू 10 लेना था। तो ये 10 जो है 0.03 न्यूटन, और इनका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। कुल मिला के सेवन वाले कॉइन पे 3 फोर्स लगेगा। एक एक ऊपर से कॉइन लगाएंगे, जो नीचे वाले कॉइन है उस पर भी लगाएंगे, और एक वेट mg लगाएगी। ठीक है? तो ये तीनों मिलके इसको बैलेंस में रखे होंगे, तो 0.3 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ए ऑप्शन सही है।